बाबा हमें माफ कर दीजिए ना, क्योंकि आई एक दो बार सरदर्द से बेहोश हो गई थी और अभी भी आई काफी देर से घर से दूर थी, इसलिए मुझे लगा कि फिर से बीमार तो नहीं हो गई, इसलिए हम आए। देख भीम, चाहे कितनी देर तुम्हारी आई घर से दूर रहे, लौटने का इंतजार करना शिष्टाचार भी कोई चीज होती है, समझे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बस बस हो गया अब। क्या हो गया? बस हो गया अब, ठीक है गलती हो गई, लेकिन बच्चे है ना, सीखेंगे तभी काम आएगा ना। हाँ ठीक है समझ गए, चलो चलो घर चलते हैं। देखो देखो तुम लोग चलो आगे, मैं बाबा को समझाती हूँ, जाओ 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 हम आते हैं। बस ऐसे ही कुछ और दिन। ऐसा क्या है जो ये दोनों छुपा रहे हैं? महाराज राम जी और भीमा भाई वैद्य के पास गए थे और जब दोनों बाहर निकले रो तो भी रहे थे। महाराज कुछ समझ नहीं आया कि मामला क्या है। यहाँ आने से पहले मैं वैद्य के पास भी गया था पूरे मामले की जानकारी के लिए, पर उसने भी कुछ नहीं बताया महाराज। लेकिन बात तो वही है जो उस वैद्य ने नहीं बताई, किंतु बात क्या हो सकती है? महाराज मैं एक बात कहूं? हाँ कहो। वैद्य से संबंधित है तो जरूर स्वास्थ्य से संबंधित बातें हुई होंगी, क्यों ना हम ये बात फैला दें कि हमसे विरोध करने का फल ईश्वर ने उन्हें दिया है। उचित है, किंतु झूठ को भी कब और कितनी मात्रा में फैलाया जाए ये तय करना होता है, वरना उसका असर नहीं होता है। इसीलिए पहले पूरी जानकारी मिल जाए फिर देखेंगे। जी महाराज। और आसपास के भक्त लोग आ रहे हैं ना इस इलाके में? जी महाराज। तो उन भक्तों से सत्संग और प्रवचन सुनने के पैसे लो। जो आगे महाराज। और शीघ्र ही हमारे प्रवचन का आयोजन करो, क्योंकि शांति और भक्ति के मार्ग हम जैसे ज्ञानी पुरुषों के प्रवचन से ही खुलेंगे। अरे क्या हुआ, आई मिली कि नहीं? मिली ना, लेकिन बाबा ने हम सबको डांट दिया। डांट दिया? लेकिन क्यों? कहने लगे कि अगर आई घर पर नहीं है तो शांत रहो, और शिष्टाचार और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। सही कह रहा था मैं। अब जाने भी दीजिए ना, चलिए। और आगे से सब लोग ध्यान में रखना, समझे? लेकिन भैया आप अचानक यहाँ पर कैसे, और भाभी आपको कहाँ मिल गई? बाजार में। मैं गई थी कच्चे आम लाने के लिए, बच्चों को अचार बहुत पसंद है ना, मैंने सोचा बनाती हूँ उनके लिए। हाँ हम लोग भी वही सोच रहे थे कि बिना बताए तू कहाँ चली गई। नहीं आप तो सो रही थी, बच्चियाँ पढ़ाई कर रही थी, मैंने सोचा जाके आऊंगी। वही मिले बाजार में। अरे हाँ मैं आपसे पूछना भूल गई, आप वहाँ कैसे पहुंचे? बताइए।
तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो लौट आया। क्या क्या हुआ भैया? आप भी ना। राम जी देखो मैं अभी तो तैयार होकर आ गया। वो सेठ जी की शादी की वर्षगांठ में जाना है ना, और वैसे भी मैं बड़े लोगों को उस समय कभी गया नहीं हूँ, इसलिए फटाफट तैयार होकर आ गया। हम किसी उत्सव में नहीं जा रहे। लेकिन भाई साहब कैसा उत्सव? भाभी जी राम जी ने आपको बताया नहीं, वो राम जी के सेठ जी के शादी की वर्षगांठ है ना, तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने सह परिवार न्योता दिया है। राम जी ने कहा था सेठ जी से कि मैं आऊंगा, और उसने मुझसे भी कहा था कि आपके लिए बाजार से एक नई साड़ी भी खरीदेगा। पता नहीं क्यों वो अभी ऐसा बोल रहा है। आई बुलाए हैं तो जाने में क्या दिक्कत है, चलते हैं ना। आई हम पापा से बात कीजिए ना। हाँ आई बहुत मजा आएगा। आई बोलो ना बाबा को। आई बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाभी आप भैया से बात करो ना, और तुम लोग सब जाओ, मैं थोड़ी देर रह लूंगी अकेले। मुझे लगता है बाबा कह रहे थे ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसी के वजह से चिड़चिड़े हो गए होंगे शायद। खैर मैं बात करती हूँ उनसे। ये हाथ में क्या लगा है? अरे वो बाजा बजाते बजाते लग गया। नहीं ठीक हूँ मैं। तेरा बाजा बजाना कैसा था? अच्छा रहा। मैं आती हूँ। क्यों नहीं जाएंगे उत्सव में? चलिए ना सब जाते हैं। कहा ना हम किसी उत्सव में नहीं जाएंगे, बात खत्म। देखिए हर बात पे डांट मत दिया कीजिए। हाँ अब पतियों की ना बड़ी बुरी आदत होती है, आपको लगता है डांट के पत्नी को चुप करा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चुप बैठने वाली। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुद ही तिनका करी गिने स्वाति बूंद कियास। चलिए ना मेरे खातिर। बच्चों के खातिर आज बहुत दिनों बाद बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी मैंने। जितना समय मेरे पास है ना मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, आपको खुशी देना चाहती हूँ, और फिर ज्यादा से ज्यादा यादें लेकर यहां से। चलेंगे।
अच्छा सुनो, तुम लोग भोज में जाओगे ना तो मेरे लिए भी थोड़ा लेकर आना। आई क्या हुआ आई? ठीक है अब हो जाओ तैयार क्योंकि बाबा मान गए हैं। मतलब हम जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। रीवा क्यों तू नहीं जाएगा भोज में? तुझे तैयार नहीं होना। अच्छा बाबा ने डांट दिया इसलिए उदास है। ठीक है बाबा ही तो है, कभी डांटेंगे कभी प्यार करेंगे कभी कुछ बुरी करेंगे। पता नहीं भीमा भाई, तुम्हारे बाद गरीबी और बेबसी के साए में पल रहे इस परिवार में कौन कौन ढूंढ ढूंढ के खुशियां लाएगा, और तुम्हारे जाने के बाद यू पूरा परिवार कब मिलकर फिर से हंस पाएगा? क्या हुआ रामजी, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं तो मैं भला क्यों परेशान हो जाऊंगा? ठीक हो? और हां तो मेरे साथ उत्सव में चल रहा है, अच्छा लग रहा है। आखिर तू भी तो मेरे परिवार का एक सदस्य है। तो तुम सच में मानते हो कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं? और नहीं तो क्या, एक ही दोस्त है मेरा। तो राम जी एक बात बताओ, वैद्य जी ने भाभी जी की तबीयत के बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं वो ठीक है। यदि तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो और इस परिवार का सदस्य मानते हो ना, तो तुझे मेरी कसम है, सच सच बता कि बात क्या है। भीमा भाई कुछ दिनों के मेहमान है। रोज रोज मृत्यु के करीब जा रही है। रंजन तुम्हारी भाभी दिल की बहुत मजबूत है, देखो ना सब कुछ जानते हुए भी बच्चों के साथ कैसे हंस खेल रही है, मुस्कुरा रही है। लेकिन मैं कमजोर हो गया हूं, मुझमें भी मां भाई जितनी हिम्मत नहीं है।
राम जी, वैसे तो तुम खुद ही इतने समझदार हो, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि जाने वाले की विदाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दुख पीड़ा भविष्य की चिंता ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन हम जाने वाले को प्रेम खुशी अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूं, समझ ही नहीं रहे। अच्छा हुआ आप ही ने समझा दिया, अब शायद समझ जाएंगे। खुश रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। बच्चों को कह दिया है मैंने, सेठ जी के यहां जाना है। चलिए तैयार हो जाइए। भाई साहब आप ही कह दीजिए ना अपने मित्र से, जल्दी तैयार हो जाए। अरे हाँ, भाई साहब कह रहे थे कि मेरे लिए नई साड़ी लाने वाले थे, तो जाइए जाइए बाजार जाके लेकर आइए नई साड़ी, नहीं तो बात। हाँ राम जी, चलो चलो हम लोग साड़ी लेकर आते हैं, चलो चलो। अरे बच्चों तुम सब ना तैयार रहना, हम दोनों बाजार से आएंगे, उसके बाद सेठ जी के घर उत्सव में चलेंगे। हाँ खुश। चलो राम जी। कोई तो ऐसी बात है जो आई और अब बाबा भी हम सब से छुपा रहे हैं। सेठ जी बधाई हो। शुक्रिया, और तुम्हें खास शुक्रिया, सिर्फ तुम्हारे कहने पर आज इतने साल बाद जिंदगी में पहली बार हम शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम तोहफा जरूर लाते, लेकिन हमारा छुआ हुआ आप रखते नहीं ना, इसलिए नहीं ला पाए। लेकिन हमारे पूरे परिवार की तरफ से दुआ करते हैं कि आप हमेशा साथ रहे, आपका जोड़ा हमेशा आबाद रहे। इन्होंने बताया कि आपके पति ने मेरे पति को यह एहसास कराया कि पत्नी और परिवार का क्या महत्व होता है, इसलिए मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप भी प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ हमेशा रहें। काश कि मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रह पाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। महाराज एक सुराग मिला है, शायद उससे कुछ पता चल सके। मैंने मंगेश को भेजा है उसके पास, मंगेश के आते ही हमें पूरी और साफ साफ जानकारी मिल जाएगी। इसी इंतजार में तो हम भी हैं। जो कुछ इस भीमराव के घर में धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है उसका साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी ये धुंधली धुंधली सी बातें साफ होती है तब कई बार कई राज बाहर आते हैं।